properties of inverse trigonometric functions. यस ठीक है। इसमें ना ये जो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये एक्चुअली में स्क्वायर ब्रैकेट है, दैट इज क्लोज्ड इंटरवल का। तो अगर इसमें जब मैंने इसको डाउनलोड किया तो इस तरीके से कुछ आया है, आई डोंट नो, बट आप इस पे फोकस करेंगे, हाँ, इससे कंफ्यूज मत होना, राइट। तो ये तो आपको पता है कि इट इज रिटेन हियर द डोमेन इन रेंज ऑफ दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रिटेन हियर, राइट, ऑल सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ओके। बट आवर टारगेट इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज दिस वन। टुडे वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। यू कैन ओपन योर बुक, इट इज आई थिंक दीज प्रॉपर्टीज आर रिटेन इन योर बुक ऑल्सो, राइट। ओपन इट एंड दीज प्रॉपर्टीज आर एज फर्स्ट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। इट्स बेटर इफ यू विल नोट डाउन, राइट। तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, कोई इसमें हार्म नहीं है बेटा, ठीक है। केवल देखिए मत, लिखिए जरूर। अब द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, बट इफ दिस एक्स इज वॉट, एक्स इज अ एंगल, राइट, द वैल्यू ऑफ द एंगल, है ना। तो व्हेन साइन इनवर्स आउटसाइड एंड साइन इज इनसाइड, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, या एनी इनवर्स फंक्शन इज आउटसाइड एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज इनसाइड, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट एंगल। सो एक्स शुड बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, दैट यू नो दैट क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स। साइड में उसने वो ये बता रहा है कि बल्कि दी दीज रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली व्हेन द एक्स विल लाई अंडर द, वी कैन से दैट द रेंज ऑफ द गिवन दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, देन ओनली दीज फॉर्मूलाज आर एप्लीकेबल है ना। एंड बिकॉज इन एनसीईआरटी ओनली प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज आते हैं, ओके। sec inverse sec x is equal to x, x belongs to this one and this one, right? I hope आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप नोट जरूर करते चलें। ये ब्रांच तो आपको याद है, ठीक है, अगर आपने कर ली होंगी तो, मगर ये फॉर्मूले जरूर लिखते चलें, ब्रांच भी आप लिख लें, बहुत अच्छा है, ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज, अब यहाँ पर देखना है, द कंडीशन इज चेंज्ड। इन द फर्स्ट दीज सिक्स फॉर्मूला, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स आर आउटसाइड एंड द ओरिजिनल फंक्शन दैट इज साइन कॉस टेन आर इन साइड एंड द रिजल्ट इज एक्स एंड दिस एक्स विल रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ द एंगल एंड इट शुड लाई बिटवीन द रेंज, ओके, बिटवीन द रेंज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। बट इन सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स इज रिटेन, ओके। यहाँ भी आपको कंफ्यूज आप हो जाएंगे कि दोनों तो एक दिख रहा है, नहीं, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, द वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू, नॉट एंगल, इट इज नॉट एंगल, या और यू कैन से दैट दिस इज द वैल्यू ऑफ डोमेन। ये एक्स, एक्स कितना होता था देखिए आप, ये अभी हमने ऊपर दिखाया है, हेयर यू कैन द दिस वन, द डोमेन इज माइनस वन टू वन। तो जो वो एक्स की वैल्यू आ रही है वो इसके अंदर बिलोंग करेगी, राइट, इस कंडीशन में। आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि व्हेन साइन फंक्शन इज आउटसाइड एंड इनवर्स फंक्शन इज इनसाइड, रिजल्ट इसमें भी एक्स दिख रहा है, इसमें भी एक्स दिख रहा है आपको, बट इन फर्स्ट वन दिस एक्स इज द एंगल, बट दिस एंड दिस बिलोंग्स टू द रेंज, राइट, एंड दिस एक्स इज बिलोंग्स टू द डोमेन एंड दिस द डोमेन फॉर दिस वन इज माइनस वन टू वन, ओके। तो ये देखिए सिमिलरली सब एक से ही रिजल्ट आ रहे हैं, कोई एक याद कर लेंगे देन ऑटोमेटिकली बाकी सिक्स आपसे बन जाएंगे, मगर इस पॉइंट पर ध्यान रखना है आपको, ठीक है।
सिमिलरली अब इस फॉर्मूले को आप नोट करिए, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। ये देखिए, ये दिस इज सिंपल ब्रैकेट, यहाँ पर क्लोज और ओपन से कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ पर केवल एक ब्रैकेट है। साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ऐसा नहीं होता कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू आप 1/cos cosec x, ये cosec, मैं cos बोल रहा हूँ, दिस इज cosec, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cosec इनवर्स एक्स, ओके। देन cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू sec इनवर्स एक्स, हाँ। अब यहाँ पर देखिए क्या है, जो x की वैल्यू है ये बिलोंग करेगी किस पर, आपके वो डोमेन वाले रेंज उसमें है, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स एक्स, राइट, दैट इज, एंड ये दो इसने कंडीशंस यहाँ पर ली हुई हैं, अपने बुक में शायद एक ही है, आप जरा बुक को रेफर करिए, ये एक मिनट, पेज नंबर 1/cot inverse x, केवल, राइट, हाँ, दिस इज tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स, ये भी होती है, मगर ये अपने एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, ये व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज व्हेन x इज लेस देन 0, राइट। नाउ नेक्स्ट फोर्थ वन, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये ध्यान से देखना है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज नॉट डायरेक्ट, इसको पाई बाहर माइनस नहीं बाहर निकालेंगे, इसमें फॉर्मूला ये अलग है, ये देखिए ये तीन एक से हैं, कौन से, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स, ये तीन एक से हैं, राइट, और इनका होता है साइन इनवर्स इज माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है, ये तीन सिमिलर हैं और ये तीन एक से, दैट इज कॉसेक कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉट, कहीं इफ समवेयर इट इज रिटन दैट कॉस इनवर्स एक्स देन यू कैन राइट पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो ये अंदर का साइन फिनिश हो जाएगा मगर पाई आ जाएगा, पाई माइनस द होल एंगल उधर पर आएगा, है, सेम फॉर्मूला फॉर कॉट इनवर्स एंड फॉर sec इनवर्स, है ना, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं, नोट कर रहे हैं कि केवल देख रहे हैं भाई, कोशिश कर रहे हैं लिखने की, हेलो स्टूडेंट्स प्लीज, यस सर, नोट प्लीज लिखिए, बगैर लिखे आप विदाउट राइटिंग आप परफेक्शन नहीं आएगा, आपको लिखने ही लिखने हैं, ठीक है, सब बुक में है, सब कुछ है, मगर लिखिए इसको, ओके। अब देखिए तो ये फोर फॉर्मूलेज हो गए, फर्स्ट टाइप का क्या था, कोई रिपीट करेगा, फर्स्ट टाइप का हमने आपको क्या बताया हुआ है, यस आयुष, फर्स्ट टाइप फॉर्मूला सर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, हाँ, साइन इनवर्स आउटसाइड एंड साइन एक्स इज इनसाइड, है ना, द रिजल्ट इज एक्स, ये सारे उसके लिए था, नॉट ओनली साइन इनवर्स, कॉस, टेन इनवर्स सबके लिए एप्लीकेबल था, बट वो जो व्हाट इज एक्स इन फर्स्ट कंडीशन, ये देखिए ये एक्स किसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये वाले फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, ये एक्स एंगल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इनसाइड द रिजल्ट इज एक्स, एक्स की वैल्यू लाई करेगी बिटवीन माइनस वन टू वन और जो भी उनकी रेंज होती डोमेन उसमें आएंगे, ठीक है। फिर ये वाले अपन ने डिस्कस किए, साइन इनवर्स 1/x, कॉसेक इनवर्स एक्स, सिमिलरली ये, और फिर हमारे पास में ये आ रहे हैं, ये हमने फॉर्मूले देखे हुए। अब देखिए फिफ्थ वन क्या है, फिफ्थ फॉर्मूले में आपके पास में क्या स्पेशल बात बोल रहा है, देखिए द स्पेशल थिंग इज इन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज पाई बाई टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार इंटीग्रल जब हम सॉल्व करेंगे ना वहाँ पे कई क्वेश्चंस में इनकी जरूरत पड़ जाती है, आपको बनने चाहिए ये क्वेश्चंस,
टेन इनवर्स है, इसको लिख लीजिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स अगेन पाई बाई टू। साइड में आप थोड़ा फोकस करिए, ये बिलोंग करेगा किसमें, माइनस वन टू वन वाले उसमें। एंड sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है ओके। तो ये फॉर्मूले, अब यहाँ पर क्या सिमिलरिटी आपको बहुत इजी है याद रखना, हाउ टू रिकॉल कि साइन इनवर्स, साइन के साथ cos ही अपन लेते हैं, तो साइन इनवर्स प्लस cos इनवर्स, tan एंड cot इनवर्स, sec इनवर्स एंड cosec इनवर्स, सिंपल रिजल्ट इज पाई बाई टू पाई बाई टू पाई बाई टू। नाउ कुछ फॉर्मूला नंबर सिक्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम जब वो करेंगे ना आपके डिफ्रेंशिएशन वगैरह में भी कहीं कहीं इनका कॉन्सेप्ट सब जरूरत पड़ेगी। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स, दिस इज सिंपल ब्रैकेट, यहाँ से कोई मीनिंग नहीं है कि स्क्वायर ब्रैकेट की स्मॉल, बट आप लगा लें स्क्वायर ब्रैकेट है ये, एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, कंडीशन अप्लाइड एक्स वाई इज लेस देन वन, एक्स इंटू वाई इज लेस देन वन। देन नेक्स्ट इज टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स। अब ये देखिए ये टेन इनवर्स कैसे लिखा हुआ है, इसमें कन्फ्यूज मत होना, ये टेन इनवर्स और ये पूरा जैसे ये एक्स है ना, तो सिमिलरली दिस ब्रैकेट विल सेम एज द वैल्यू ऑफ एक्स, वही पूरा है ये। हाँ कई बार स्टूडेंट बहुत गलत तरीके से लिख करके टेन इनवर्स को कहीं भी लिख देता है, जो बाहर है ना आप बहुत प्रॉपरली लिखेंगे उसे। एंड टेन इनवर्स सेकेंड वन, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, वन एक्स इंटू वाई इज ग्रेटर देन माइनस वन। अब ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आपने इलेवेंथ में भी पढ़े हुए हैं। देखिए आपको पता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन टू थीटा, हाँ टेन टू थीटा राइट, उसके आपने एंड साइन टू थीटा, ये फॉर्मूले आपने देखे हुए हैं है ना। तो साइन के फॉर्मूले भी टेन के टर्म्स में थे, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, टू टेन इनवर्स एक्स। अब अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि टू इज रिटन आउटसाइड एंड टेन इनवर्स एक्स, और हमको अगर चेंज करना है उसको किस में, साइन इनवर्स में, देन हाउ टू चेंज, वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड वन, अब कई तीनों देखिए फॉर्मूले हैं किसके, तीनों टेन इनवर्स के हैं, टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स। अब मे बी पॉसिबल सम स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज कि ऑल दीज थ्री फॉर्मूलाज वेयर वी विल अप्लाई विच वन, तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी। अगर क्वेश्चन में आपको चेंज करना होगा इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स, देन यू कैन अप्लाई फर्स्ट वन, कॉस इनवर्स के टर्म में देन सेकेंड वन, और टेन इनवर्स के टर्म में अगर चेंज करना होगा देन यू कैन अप्लाई द थर्ड वन, है ना। टेन इनवर्स टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू दिस वन राइट ओके। देखिए मैं तो चाहूंगा कि आपको अभी याद होने चाहिए वो, है ना, क्योंकि हालांकि इतना इजी नहीं है कि इमीडिएटली यू कैन रिमेंबर ऑल दीज फॉर्मूलाज, मगर आप कुछ तो भी पैटर्न इस पर अपने दिमाग में फिक्स कर लें कि जैसे देखिए कुछ फॉर्मूले बहुत ईजी हैं। ये आपने यहीं से अगर हम बात करें, चलिए पहले फर्स्ट वी विल डिस्कस क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर सिक्स। फॉर्मूला नंबर सिक्स सेम एज इन क्लास इलेवेंथ में आपने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है, कुछ ध्यान आ रहा है आपको, टेन टेन ए प्लस बी का एक फॉर्मूला आप करते थे याद है, टेन आमिर, आमिर इज देयर, नहीं है आमिर आ नहीं रहा आजकल ओके। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 minus 10a into 10b. हाँ, 10a plus 10b upon 1 minus 10a into 10b. बस उसी से इसको आप मैच करते हुए दिमाग में याद कर सकते हैं। यहाँ पर है कि वो होता था 10a
ए प्लस बी, वेयर ए एंड बी शोज द एंगल्स, मगर यहाँ पर आपको क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स, है ना, और ये एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई में हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई. सेम क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर फिफ्थ, बहुत इजी है, इनको याद करना. देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज पाई बाय टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज पाई बाय टू, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज ऑल्सो पाई बाय टू. अभी मैं पूछने वाला हूँ आपसे, हाँ प्लीज आप दिमाग में करते चलिए, अभी मैं आपसे पूछूंगा. नेक्स्ट इज देखिए फोर्थ वन, ये वाले में हमने आपको दो कैटेगरी में इनको चेंज किया है. फर्स्ट कैटेगरी में कौन कौन से होते हैं, पूनम, पूनम आर यू देयर, पूनम नहीं है, ओके, देन कौन है, हार्दिक, हार्दिक यस सर, हमने इसमें दो कैटेगरी बताई थी, याद है आपको कि इन दो में इनको क्लासिफाई कर लेना. कौन कौन से दो कैटेगरी में हमने इनको क्लासिफाई किया था, तीन एक साथ लिए थे, तीन एक साथ लिए थे, कौन से वो तीन एक साथ हैं बताओ, दो एक मिनट, ये फोर्थ वन की हम बात कर रहे हैं, याद आ रहा है, अब भी बताया मैंने, जो जिससे आपको याद करने में इजी हो, मैंने बोला था साइन कॉसेक, नहीं हुआ साइन कॉसेक टेन, हाँ साइन इनवर्स, साइन फिर देखिए टेन इनवर्स, अभी भी टिक कर लो बेटा, एंड कॉसेक इनवर्स, ये तीन एक से हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इन टेन इनवर्स माइनस एक्स एंड कॉसेक, इनमें सिंपल माइनस को आउटसाइड करना है और साइन इनवर्स कॉस टेन इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स यू कैन राइट, मगर ये बाकी तीन जो है ना, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड सेक इनवर्स, ये तीन एक से हैं, इनमें पाई बाहर आएगा, पाई से माइनस होंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स एंड पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, ओके. अब चलिए यहाँ पर आइए, उसके आगे की ये कंडीशंस थी कुछ, ये देखिए ये साइन इनवर्स वन बाई एक्स, हम इसको लिख देंगे कॉसेक इनवर्स वन बाई एक्स, कॉसेक इनवर्स वन बाई एक्स, सेक इनवर्स वन बाई एक्स, ये तो बहुत ही इजी है क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, वेरी इजी, ये सीधा एक्स आता है, बस इसमें ये ध्यान रखना होगा आपको कि इफ साइन इज कॉस एंड टेन इज आउटसाइड, इट मींस ये वैल्यूज की बात कर रहा है, जो इनके प्रिंसिपल ये इसमें डोमेन के रेंज उसमें बिलोंग करेंगे, हाँ, मगर यदि ये ऊपर वाला जो होता है इसमें भी रिजल्ट एक्स आता है, राइट, मगर बस इसमें साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स बाहर होंगे, जो रिजल्ट आएगा वो एंगल को रिफ्लेक्ट करेगा, किसको रिफ्लेक्ट करेगा, एंगल को, ओके. कोई ऐसा है भाई जिसको थोड़े याद हो गए हो और बोले कि हाँ हम बोल सकते हैं, मतलब सामने बुक ना रख के मैं पूछूं तो आप बता सकें, कोई कॉन्फिडेंस किसी को आया हो कि हाँ हम थोड़ा सा हमको, आई डोंट वॉन्ट 100%, आई वॉन्ट ओनली 20-30% आउटपुट एट प्रेजेंट, कि हाँ आपने इतना कर लेंगे दें हमको समझ में आ जाएगा. अनम्यूट योर माइक एवरीवन, यस सर, टेल मी योर नेम, आयुष, मैं पूछूं आयुष, अच्छा चलिए आयुष बताइए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, डोंट मतलब क्लोज योर पाई बाय टू, पाई बाय टू, वेरी गुड, ये किसने बोला पाई बाय टू, सीएच से पूछ लो, मेरे से पूछ लो सर, हाँ बस अभी इससे पूछ लो, फिर तेरे को चांस दे रहा हूँ, वेरी गुड, ये दिस इज गुड, ऐसे ही सारे लोग हिम्मत करना है, सबसे बन जाएंगे, हाँ आयुष जल्दी बोलना, साइन इनवर्स वन बाई एक्स कॉस एक्स इनवर्स कॉस कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स कॉस एक्स इनवर्स एक्स कॉस एक्स इनवर्स एक्स, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. चलिए बताइए मुझको द फॉर्मूला ऑफ सपोज कॉस इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉस एक्स कॉस इनवर्स एक्स,
वेरी गुड वेरी गुड, क्लैप करो भाई सारे लोग आयुष के लिए. गुड 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 आयुष, गुड. चलिए श्रेयस, श्रेयस. यस सर. रेडी? हाँ यस सर. ओके भाई, कोई भी उस पर मत देखना, आपके पास जो लिखे हुए हैं ना उस पर नहीं करना है, अपना फोकस करना, जरूर बनेंगे आपको. चलिए श्रेयस, द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y. tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x y. वेरी गुड वेरी गुड. हां चलिए द सेकंड फार्मूला, 2 tan इनवर्स x इन टर्म्स ऑफ tan है क्या यार, लास्ट की बात. tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर. tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर. वेरी नाइस वेरी नाइस. एंड चलिए वन मोर फॉर्मूला, दिस इज वेरी इजी फॉर यू आई थिंक. दिस इज cot इनवर्स x, cot इनवर्स माइनस x. cot इनवर्स माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस, एक मिनट सर, cot इनवर्स माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस cot इनवर्स x. नहीं, पाई माइनस cot इनवर्स x. हां पाई माइनस cot. अच्छा श्रेयस, व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cosec इनवर्स x? 1 माइनस 1 टू 1. आई एम टॉकिंग अबाउट द रेंज प्रिंसिपल. हां सर, रेंज वो हो जाती है पाई बाय 2 से माइनस 5, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 क्लोज्ड. और माइनस 0, माइनस 0, 0 इंक्लूड नहीं होता. हाँ माइनस जीरो इंक्लूड नहीं होता. चलिए गुड गुड. अच्छा ये बताओ, ये आयुष और तुम, ये फॉर्मूले आपने पहले से किए हुए थे कि अभी अपन ने डिस्कस किया उसके बाद आपने रिकॉल माने दिमाग में रिटेन किए हैं? सर अभी डिस्कस किया था तभी. श्रेयस तुमने पहले से किए हुए हैं? सर अभी देखे सर. अभी दोनों ने देखे हैं? हाँ गुड, आई एम हैप्पी. देखिए केवल आपने कोई याद करने में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपने क्लासिफाई बस ढंग से कर लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूले भले बोर्ड ने निकाल दिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी उनने इस टाइम की कमी के कारण, मगर हमारे लिए यूजफुल है ये, ठीक है, हमको बताने ही पड़ेंगे आपको. चलिए कोई एक लड़की बोलिए जल्दी से, कोई एक अपना नाम खुद ही बोलिए, कौन बोल रहा है जल्दी, एनी वन गर्ल. डरो नहीं, जल्दी जल्दी. ओहो मैं नाम लूं क्या? चलिए चलो छोड़, अच्छा नहीं लेता भाई लाइन, है ना, आप लोग को टेंशन हो रहा है तो मैं नहीं बोल रहा. कोई और बोलना चाहता है, फॉर्मूले बताएगा जैसे श्रेयस ने और आयुष ने बताए? नो वन. ओके लीव इट, मगर आपको करने पड़ेंगे भाई, है ये ध्यान रखें. चलिए अब ना इस पर हम थोड़े से आपको कुछ क्वेश्चंस पर बात करते हैं इसमें, है ना, कि इनके फॉर्मूले पर बेस्ड हम सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हम कैसे कर सकते हैं कि हम इजीली वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन. अब देखिए यहाँ पर देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स फॉर एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट. हाँ ये तो अपन कर चुके हैं, ये तो प्रिंसिपल वैल्यू पर है कंप्लीटेड ना, tan इनवर्स. हाँ ये नहीं किया अपन ने, राइट. अब देखिए यहाँ पर आपके पास में क्वेश्चन हो सकता है, अब देखिए यहाँ पर जैसे ये है, इस क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5 सबको दिख रहा है, और थोड़ा लार्ज करूँ क्या? ओके विजिबल एंड मेरी? ओके थैंक यू. देखिए इवेल्युएट tan inverse, tan of tan inverse minus 4. तो अब यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला अगर आप जानते हैं कि दिस इज द कंडीशन कि tan of tan inverse x is equal to x, right? और x belong करता है all real numbers, माने कि ये minus 4 possible है, होगा कि नहीं भाई इसमें, है ना, तो result कितना आ जाएगा? minus 4, ठीक है, कोई problem नहीं जाएगा उसमें. ये आ रहा है समझ में भाई क्या लिखा है उसने? सिंपल
एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा हुआ है. बेटर होगा कि आप लिखते भी जाएं, ठीक है, उसको लिख लेना क्वेश्चन अगर शॉर्ट में, जैसे भी आप कर सकते हैं. अच्छा चलिए इसको भी देखिए जरा, सिक्स्थ को अपन देखें. टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस सेक इनवर्स माइनस टू, ये तो हमारे उस पर बेस्ड है जो हम कर चुके हैं. इसको तो आप ही बताइए, ये नया नहीं है, ये तो ओल्ड क्वेश्चन है. टेल मी द आंसर. मुझे ऐसा लग रहा है नहीं, ये दोनों मिक्स्ड हैं, मिक्स्ड है. देखिए टेन इनवर्स रूट थ्री, ठीक है, इसको देखिए टू पाई बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री. और कोई बोल रहा आंसर? नहीं, देखिए दिस इज द मिक्स्ड क्वेश्चन. टेन इनवर्स रूट थ्री, इसको उसने पहले ये sec इनवर्स माइनस टू को चेंज किया. अभी जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है sec इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स एक्स, तो ये देखिए इसने ना फर्स्ट यहाँ पर इसको चेंज किया हुआ है, ठीक है, ये चेंज किया है. ओके अच्छा थोड़ा सा ये बताओ, तुम लोग यहाँ से हेल्प करो, ये मैं यहाँ से पेन सिलेक्ट करता हूँ हाईलाइटर, तो ये इसमें क्यों नहीं आता है, एनी आइडिया? ये देखो सर, अभी थोड़ी देर पहले आया था सर. नहीं आया था, ये देखो ये सिलेक्ट किया मैंने हाईलाइट, ये पेन को दिखाता है मगर इसमें बोलता ऑप्शन नहीं है, क्या चक्कर है. ओके सर, वो आप वेब नोट्स पे क्लिक कर दो, राइट में तीन डॉट है ना, उस पे क्लिक करो, ये राइट को दबाएं. क्या बोल रहे हैं? वो जो थ्री डॉट्स है ना सर, सबसे अपर राइट, ये वाले. हाँ और राइट, हाँ सर, क्लिक करो सर एक बार उसको. हाँ सर एक मिनट, एक मिनट, डेवलपर्स टूल में जाओ सर, डेवलपर टूल F12, इस पर जाऊं. अच्छा ओके, अरे सर ये तो उल्टा खुल गया, रैम तो सर में शायद मैंने इसको डाउनलोड करके रखा इसलिए नहीं हो रहा होगा, है ना सर? आप एडोब पीडीएफ में खोल लिया करो, उसमें हो जाता है सर. वेब पे खुला हुआ है सर, क्रोम पे. हाँ क्रोम पे खोला है मैंने इसको. अच्छा तो अब ज्यादा चलो ट्राई करूंगा जो तुम लोगों ने बताया नेक्स्ट, उसमें अपने पहले ट्राई करूंगा फिर आपसे. चलिए अभी मगर एर्थ में करा रहा था तो वहां बकायदा वर्क कर रहा था, अब वो क्या चीज थी ये नहीं समझ में आया मुझे, ठीक है. एनीवे चलिए, सो नाउ दिस इज sec इनवर्स माइनस एक्स को चेंज किया, दिस इज पाई माइनस sec इनवर्स एक्स, ठीक है, तो ये इससे चेंज हो गया. और ये tan इनवर्स रूट थ्री को उसने कितना लिख दिया, सिंपल पाई बाई थ्री हम लिख सकते हैं, लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ, दिस इज पाई बाई थ्री. इसको सिंप्लीफाई कर लिया इन दोनों को, तो ये आ गया. अब ये sec इनवर्स टू को फिर उसने लिख दिया cos इनवर्स वन बाई टू, या डायरेक्ट भी आप कर सकते थे उसकी टू की वैल्यू, उसने cos में चेंज करके किया है, और cos में इसने चेंज किया तो ये लिखला, इसको लिख रहा है दिस इज पाई बाई थ्री एंड टोटल रिजल्ट इज माइनस पाई बाई थ्री. देखिए इट मीन्स दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइज एंड द प्रेजेंट जो अभी हमने फॉर्मूले डिस्कस किए, है ना, बनेगा ना भाई आपसे, ठीक है. ओके और देखते हैं हम थोड़े से इसमें, सपोज क्वेश्चन है जो आपसे इजीली आप कर सकें उन पर हम बात करते हैं. जैसे tan of cos, evaluate the value of cos inverse, tan cos inverse. One minus cos. अभी ये वाले फॉर्मूले अपन ने ऐसे स्पेशल डिस्कस नहीं किए. चलिए अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर, अच्छा इस पर अपन करने की, देखिए ये शायद आपसे बन जाएगा. देखिए क्या है, 2 साइन इनवर्स 3 बाय 5 माइनस 10 इनवर्स 17 बाय 31 इज इक्वल टू पाई बाय 4, राइट. तो देखिए इसमें हाउ टू सॉल्व, इसने पहले इसको एज्यूम कर लिया दिस साइन इनवर्स 3 बाय 5 इज थीटा, तो साइन थीटा आ गया कितना 3 बाय 5, हाँ.
एंड साइन थीटा इज 3/5। अब इससे इसने 10 की वैल्यू कैलकुलेट की, आ जाएगा ना, साइन थीटा इज 3/5, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज गिवन। तो हम बेस कैलकुलेट कर सकते हैं, बेस आ जाएगा आपके पास में 4, तो 10 थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। तो इससे थीटा की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 10 inverse 3/4। तो 2 sin inverse इसकी वैल्यू इसने जो निकाल के दी है, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, इसकी जगह उसने लिखा हुआ है कितना, 2 into theta। ये थीटा हमने सपोज किया था यहाँ पर, और थीटा की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास में, 10 inverse 3/4। तो ये इसमें ये वैल्यू रखी, और फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर जाकर के आपके पास में, देखिए ये 2 10 inverse 3/4, और फिर लास्ट में जो मैंने एक फॉर्मूला आपसे पूछा हुआ था, श्रेयस से शायद पूछा था, उसने बताया था, ठीक है, वो फॉर्मूला लगाया, दैट इज फॉर्मूला था आपका 2 10 inverse x। श्रेयस क्या बोला था, रिपीट इट, 2 10 inverse x को क्या करना है, इसका फॉर्मूला बताओ, 2 10 inverse x = 10 inverse 2x / 1 - x2। हाँ, तो द सेम फॉर्मूला इज एप्लीकेबल यहाँ हियर, ठीक है। तो ये देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये 2 था, 2 के कारण अभी फॉर्मूला हमारा वो नहीं लग पाएगा। एक फॉर्मूला है ना आपके पास में, 10 inverse x + -10 inverse y, एन मेरी व्हाट इज 10 inverse x - 10 inverse y? सेम फॉर्मूला, वाई, बिकॉज 2 इज देयर, फॉर रिमूविंग दिस 2 उसने ये हमारे पास में इसको फॉर्मूला, इसको पूरे को 10 का 10 में ही रखने के लिए, मगर ये फॉर्मूला लगेगा जो अभी मैंने श्रेयस से पूछा, और उससे ये रिजल्ट आ रहा 10 inverse 24/7, और ये, और फिर ये उसने फॉर्मूला लगा दिया जो अभी एन मेरी ने बताया, एंड दिस इज द आंसर। तो थोड़ा सा वो तो है, मगर बनेगा इसमें, रुकिए और दिखाता हूँ आपको। अब जैसे है, देखिए, cot inverse 7 plus cot inverse x 8 plus cot inverse 18 is equal to this one। अब cot के लिए ये वाला फॉर्मूला अपन ने देखा, cot inverse x can be written as 10 inverse 1/x। तो ये इसने सबको 10 में चेंज कर लिया। अब 10 में चेंज करने के बाद में आपके पास में क्या हो सकता है, ये देखिए, फर्स्ट आप कर पाएंगे इसके आगे का क्या, थोड़ा सा 10 का जो अभी फॉर्मूले हैं आपके पास में, 10 inverse a + 10 inverse b का, वो थोड़ा सा दिमाग में सोचिए, चलिए हैं, देखिए इन दो में क्या लगाया, फर्स्ट वी विल अप्लाई 10 inverse a + 10 inverse b, ये देखिए 10 inverse a, ये लगा फॉर्मूला, और 10 inverse b, तो पहले इन दोनों में लगाया तो ये बना, और इसको सिंप्लीफाई करने पर यू विल गेट कितना आ रहा है, 10 inverse 3/11। फिर बचा 10 inverse 3/11 + 10 inverse 1/18, इन दोनों में लगाया, फिर ये हुआ 65/195, ये कैंसिल हो जाएगा 3 times, एंड दिस वन कैन बी रिटन एज cot inverse x, है ना, ये इस तरीके से इसने शो करने की कोशिश की थी। चलिए मैं आपको कुछ और भी दिखा रहा हूँ, ये कहीं सॉल्व करते हुए मैं आपको दिखाऊँ, जिससे थोड़ा सा टाटा क्लास है, इससे प्लीज़ देखिए इसको। ऐसे अब देखिए, ये है जैसे क्वेश्चन, sin inverse 8/x + sin inverse 15/x = π/2, ठीक है, तो sin inverse 8/x, यहाँ पर फोकस करना थोड़ा सा, वी हैव टू शो दैट दिस इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो क्या क्या हुआ है इसने, देखें यहाँ पर, ये जो है आपके पास में फॉर्मूला, इसके लिए उसने ये π/2 - sin inverse π/2, ये होगा फॉर्मूला, कहाँ से आ जाएगी अली कंडीशन, ये कहाँ से आ, ये देखिए, ये इसका अप्लाई किया हुआ sin inverse x + cos inverse x वाली कंडीशन लगाने से, ठीक है, तो ये cos के टर्म में रिजल्ट आएगा, cos ये आ रहा है कितना 15/x, और ये sin inverse 8/x plus ये यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है
कितने, दिस इज इज इक्वल टू थीटा। ये चेंज करने का देखिए, ये साइड में फॉर्म एक डायग्राम पर फोकस करना अपने आप को। इसने क्या किया हुआ है, ये साइन इनवर्स को ना कॉस, सबको हम इंटरनली एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं, साइन को कॉस में, कॉस को टेन में, इनको किसी में भी चेंज कर सकते हैं। उसने वैल्यू निकाली है साइन इनवर्स 8/x को इन टर्म्स ऑफ कॉस निकाला है। कैसे निकाला है देखिए, यहाँ पर साइन इनवर्स 8/x, तो ये हमने अगर डायग्राम ड्रॉ किया तो ये हो जाएगा कितना, 8 इज परपेंडिकुलर, एक्स इज हाइपोटेनियस, इसको अगर हम थीटा सपोज करके करते तो ये हो जाता 8/8x। तो उससे ये कैलकुलेट उसने किया हुआ है, ये 15 कहाँ से कैलकुलेट हुआ भाई? हाँ, ये कोई बताएगा कि ये 15 कैसे आ रहा है? किसी को समझ में आ रही है या लीजिए जिसको? यस बोलो। तो साइन में दिया है ना ऊपर। हाँ हाँ, तो ये साइन में दिया है सर, तो बेस हो जाएगा ना। हाँ अच्छा, ये इसमें क्योंकि साइन और कॉस दोनों, दिस इज इक्वल टू दिस दिया है। देखिए साइन इनवर्स 8/x को चेंज किया था कॉस इनवर्स 15/x, उससे पता चला था कि बेस 15 है, ठीक है, और उस टर्म से उसने इसकी वैल्यू निकाल दी है, कितनी एक्स की वैल्यू ये आ रही है। एक और देखिए, रुकिए, ये इसका एक वीडियो में दिखाएं सॉल्व करते हुए, वेट करिए, वेट 2 मिनट्स। The given problem is prove that tan inverse 1/5 plus tan inverse 1/7 plus tan inverse 1/3 plus tan inverse 1/8 is equal to 5/4. Let's solve the given problem. The given equation and is Mary, as audible? Shown. Yes, sir. By the okay. left hand side, we know tan inverse A plus tan inverse B is equal to tan inverse A plus B upon 1 minus AB. Let's apply the formula in the equation as shown. Thus, we get as shown. Again, apply the formula of tan inverse A plus tan inverse B. We get as shown. Let's simplify this equation further. Thus, we get tan inverse 1, which is equal to 5/4. Hence, left-hand side is equal to right-hand side. Okay, ye, just now you have watched one explanation. The simple usne kya kya hua hai? It all are given in terms of tan inverse. Hai na? So, apply tan inverse A, 2 ka usne bana liya, tan inverse इन फर्स्ट टू में लगा लिया, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, सिमिलरली फॉर दीज टू, फिर उनसे दो जनरेट हुए थे और उनमें फिर लगा था। इट मींस टोटल
वन टाइम टू टाइम्स थ्री टाइम्स फॉर्मूला अप्लाई होगा, सेम फॉर्मूला, और उससे ही आया हुआ था। देखिए इसमें और द गिवन प्रॉब्लम इज सॉल्व फॉर x, टू टैन इनवर्स cos x इज इक्वल टू टैन इनवर्स 2 cos x। लेट्स सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। द गिवन इक्वेशन इज as shown. We know that 2 tan inverse x is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square. Let's apply this formula in the equation by replacing x with cos x. We get as shown. We also know that 1 minus cos square x is equal to sin square x, and cos x is equal to 1 upon sin x. Substituting the values in the equation and equating the values as shown. Thus, we get tan x is equal to 1. Therefore, x is equal to pi by 4. आ रहे हैं भाई समझ में? Explanation. The simple, ये अभी हमने जो formula, what I want to show you actually the application of the formulas, है ना? देखिए द क्वेश्चन इज 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू दिस वन। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपने जो ये फॉर्मूला आप जानते हैं 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू दिस वन। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कईयों के दिमाग में कि tan में ही क्यों चेंज किया हुआ है, क्यों? क्योंकि ये इसके राइट हैंड साइड में भी क्या है, tan है, तो बेटर ये होगा कि tan का ही आपका बने रिजल्ट तो सही रहेगा उसमें, ठीक है, तभी आप दोनों को कंपेयर कर पाएंगे। Then applying this formula tan inverse 2x upon 1 minus x square, so tan inverse 2 cos x upon 1 minus cos square x, and then this is equal to, ab dekhiye yahan par this is also tan inverse something and in the right hand side also tan inverse something, so dono compare ho jayenge to ye ho jayega inverse, hum remove karke 2 cos x upon 1 minus cos square x can be written as sin square x, and this 2 cosec x can be written as 2 upon sin x, and again cancel, sin cannot be 0, cancel, and x is equal to, this is pi by 4, right? आप ये मत लेकर के चलना कि बार बार मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि दिमाग में कि नहीं है वाली कंडीशन मत रखना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपन को काम आएंगे, और इसलिए मैं उनके कुछ एप्लीकेशंस आपको बताना समझाना समझ रहा हूँ उचित। हाँ ओके नेक्स्ट। द गिवन प्रॉब्लम इज सॉल्व द इक्वेशन फॉर x प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। लेट्स सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। गिवन दैट साइन इनवर्स x प्लस sin inverse 1 minus x is equal to cos inverse x. Let's take sine of both sides as shown. We know that sine of a plus b is equal to sine a cos b plus cos a sine b. Let's apply this formula in the above equation. First, let's simplify cos of sine inverse 1 minus x as shown. Then we get as shown, and let's simplify cos of sine inverse x as shown, that is equal to square root of 1 minus x squared. Next, substitute the values in the equation as shown. Let's simplify the equation further. Thus we get x is equal to 0 or x is equal to 1 by 2. ये एक बार और दिखाऊं, ये आपको थोड़ा सा इजी नहीं गया होगा समझना स्टूडेंट्स। यस सर। इसको एक बार और देखिए, ठीक है, रिप्ले में पूरा रिप्ले हो जाएगा। द गिवन प्रॉब्लम इज सॉल्व द इक्वेशन फॉर x प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x. Let's solve the given problem. Given that sine inverse x plus sine inverse 1 minus x is equal to
cos inverse x. Let's take sine of both sides as shown. We know that sine of a plus b is equal. This step is important. जो इसने taking sine of both sides and then simple apply sine a plus b, है ना? ये इस पर देखें. To sine a cos b plus cos a sine b. Let's apply this formula in the above equation. First, let's simplify cos of sine inverse 1 minus x as shown. Then we get as shown. And let's simplify cos of sine inverse x as shown. That is equal to square root of 1 minus x squared. Next, substitute the values in the equation as shown. Let's simplify the equation further. Thus, we get x is equal to 0 or x is equal to 1 by 2. आया अभी भी नहीं आया देखा क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है ओके सो फाइनली वी कैन से दैट क्वेश्चंस तो इसमें बहुत से हैं हम फिर से और मगर अब चूंकि प्रॉपर्टीज तक ही हमको डिस्कस मतलब इतने ही करना था इसमें आपको यही शो करना था ठीक है नेक्स्ट क्लास में हम जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड डेरिवेटिव्स जो चल रहा था उस पर हम डिस्कस करेंगे ठीक है इसके क्वेश्चंस आप फॉर्मूले तो आप याद ही कर लेना भाई अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू प्लीज ओके यस सर फॉर्मूले बोला था सर टेक कराओगे सर आप हां बेटा सर आपने बोला था ना सर एनसीईआरटी क्वेश्चन टिक कराओगे इस चैप्टर के टिक कराएंगे हां सर वो आपने बोला था कि सेकंड एक्सरसाइज में भी कुछ-कुछ है जो आ सकते हैं बोर्ड में मतलब आपने बोला था अच्छा 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 वैसे एक मिनट उस दिन अपन ने कुछ बोले तो थे ना कि ये क्वेश्चन ऐसा कुछ बोला था मुझे लास्ट में याद आ रहा है सर पर आपने बोला था कि सर आप बाद में टेक करा देना बस एग्जांपल दिया था कि ऐसे भी आ सकते ओके ओके हां तो ये देखिए चलिए तो इस पे ध्यान रखना तो कल ये जो मैंने उस दिन भी बोला था हाँ ठीक है ध्यान आ गया 48 पेज नंबर ओपन पेज नंबर 48 इस पर मैंने बोला था आपसे पेज नंबर 48 देखिए क्वेश्चन नंबर मैंने बोला था 16 17 18 19 है ना ये आपके थे फाइंड द वैल्यूज और जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज से ही रिलेटेड है ठीक है फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड इसको दिखा देंगे ठीक है वैसे तो मेरी इच्छा पूरी कराने की है मगर अब वो टाइम लिमिट के हिसाब से अपन आगे वो हो जाएंगे प्रॉब्लम में आ जाएंगे क्योंकि टाइम कम रहेगा मगर यदि आप चाहेंगे तो मैं उसको उसके सॉल्यूशंस आपसे डिस्कस कर सकता हूँ मगर टाइम लग जाएगा उनमें ये रहेगा मगर ये वाले तो मैं कल करा दूंगा ठीक है याद दिलाना फिर हम उससे आगे बढ़ेंगे क्या बेटा सर मिसलिनियस में हाँ दोनों के देख लूंगा मैं मिसलेनियस में भी ऐसे डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा मगर जो हमने आज कंडीशंस पढ़ी हुई हैं फॉर्मूले उन पर है तो मगर ऐसा डायरेक्ट नहीं दिख रहा हाँ मिसलेनियस में है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सेकंड है राइट फर्स्ट एंड सेकंड और ये शायद आपने किया है फर्स्ट एंड सेकंड मगर टोटल कल आप ध्यान रखना स्टार्ट अपन जब करेंगे देन वी विल स्टार्ट 16 17 18 19 एंड फर्स्ट सेकंड ये मिसलेनियस के इनको कल हम डिस्कस करेंगे ठीक है इन द नेक्स्ट क्लास ओके थैंक यू वेट